बिग बॉस 11 के बाद क्या कर रही हैं आजकल हरियाणवी डांसर सपना चौधरी, कौन से नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं, कौन से नए गाने लेकर आ रही हैं, इस होली क्या है सपना चौधरी का प्लान, ये जानने के लिए हम खास मिले सपना से, जो दिल्ली से आई मुंबई सास बहू बेटिया से खास बातचीत करने। हिना से मेरी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन हाँ कंटिन्यू बातें होती रहती है। अभी उसने मुझे वैलेंटाइन विश किया था, बड़े प्यार से उसने मुझे बोला कि कोई तुझे मिल जाए इस साल प्यार करने वाला, तो मुझे बहुत हंसी आई। लेकिन मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ कि उसे रोक के मिला, और सच में वो दोनों बहुत एक दूसरे को प्यार करते हैं, हमेशा वो साथ रहे। हिना से मुलाकात मैं बहुत जल्दी करने वाली हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं उसके लिए बड़ा सा सरप्राइज गिफ्ट लेके जाऊँ, तभी मैं उससे मिलूँ। हट जाता हूँ, थर्ड नंबर पे ट्रेंडिंग पे है और मैं बहुत खुश हूँ। गाना बहुत अच्छा और आप लोगों को पसंद आ रहा है, उससे भी अच्छी कोई बात नहीं है। और फिल्म भी देखना, ज़्यादा लोग मत देख के आना, मेरी ज़्यादा देख के आना, गाना देख लिया बहुत नहीं बाबा, आप देख के आना, क्योंकि प्रोड्यूसर ने बहुत मेहनत की है। जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं चंदन सर, वो मेरे बहुत क्लोज हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड हैं मेरे, तो बहुत बहुत मेहनत की है उन्होंने इस फिल्म के लिए, और दिल से चाहती हूँ कि बहुत हिट। मैं उस प्रोजेक्ट में एज अ ऑडियंस देखती हूँ कि अगर मैं एक ऑडियंस के नाते इस चीज़ को सुनती देखती तो मुझे कैसा लगता, उसी के तरीके से मैं काम करती हूँ कि अगर मुझे अच्छा लगेगा तो दूसरों को अच्छा लगेगा, और मुझे ही अच्छा नहीं लगेगा तो दूसरे नहीं सुने। हाँ, मेरा भी प्लान है कि मैं एक एक्शन स्टोरी के साथ ही करूँ, क्योंकि आपने मुझे डांस करते हुए देखा है। मैं बहुत, कोई लोग कहते हैं कि आप मासूम से हैं, अभी मैं आने लग रही थी तो एक लेडी मुझे बोली स्माइल करो आप स्टार हो, मैंने बोला नहीं, गायक की स्माइल झड़ गई, टायर्ड हो गए काम कर करके। तो जब चीज़ें सुनते हैं देखते हैं तो कभी कभी लगता है कि करते रहना चाहिए, कंटिन्यू करते रहना चाहिए, कभी लगता है यार बस कर देना चाहिए, तो चलता रहता है कि हाँ ना। और एक छोटी सी कोशिश की है, भाई के लिए भी कोशिश कर रही हूँ। सब मुझे बोलते थे कि अपने भाई के लिए कुछ कीजिए, और भाई को बेसिकली नहीं थी इस चीज़ की लगन, लेकिन मैंने उसको अभी फोर्स करके एक गाना है हरियाणवी टोक, उसमें कोशिश की है कि वो बहुत 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 इसने मेहनत की है, और 21 तारीख को हम उस गाने को लॉन्च करेंगे। अब बनता भी है, मैं इधर आ रही हूँ तो वहाँ पे भी तो किसी को छोड़ना बनता है तो ज़रूरी भी हो गया था कि हरियाणा में एक को और छोड़ दो, खुला छोड़ दो, मैं यहाँ आ जाऊँगी उसको वहाँ खुला छोड़ दूँगी। 21 तारीख को गाना लॉन्च करेंगे, टॉक टाइटल है, और कोशिश की है कि हरियाणा में अब की बार बहुत अच्छी वीडियो, बेसिकली हमारी टीम ने डायरेक्शन दी है, मैंने फरिश्ता ने काम किया है, तो पूरी टीम ने कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा बनाया है, और कोशिश की है कि बहुत अच्छा, मतलब अब की बार हरियाणा में बहुत अच्छी फिल्मिंग चल भी रही है, फिलहाल सारी वीडियोज़ अच्छी निकल रही है, तो वो कोशिश की है, बहुत अच्छी तो नहीं कहूँगी लेकिन हाँ मेरे ख्याल से तो अच्छी वीडियो आई, बहुत अच्छी। उसके लिए ही बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मम्मी के पास जब पहले कॉल्स आते थे तो मेरे लिए आते थे, सपना से बात करा दीजिए, मैं आंटी कैसी हैं सपना, तो मम्मी के पास अब करण के लिए फ़ोन आना शुरू हो गया है, आपके बेटे का टीज़र आ गया है, आपके बेटे का गाना आ रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। अब भाई के लिए मैं सुनती हूँ, बोलते हैं कि बहुत अच्छा काम किया है भाई ने, बहुत अच्छा काम किया है, तो अच्छा तो लगता है।